आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा का कई लोग विरोध कर रहे हैं। इन्हीं में से एक बीजेपी नेता अलविंद दास और उनके सहयोगियों का कहना है कि एक और आमिर खान और उनकी पत्नी ने कहा था कि उन्हें भारत में रहने पर डर लगता है, तो अब यही लोग फिल्म देखने की गुजारिश भारतवासियों से क्यों कर रहे हैं। एक तरफ आमिर देश के खिलाफ बात करते हैं तो दूसरी तरफ फिल्म के माध्यम से पैसा कमाना चाहते हैं। बॉलीवुड के एक्टर आमिर खान, जब देखे उनके पिक्चर में हिंदू देव देवताओं को मजाक मस्ती करने वाला एक डायरेक्टर और प्रोड्यूसर बन के रह चुके हैं। जब भी उनकी घरवाले अपनी बच्ची की सुरक्षा को लेकर हिंदुस्तान के अंदर उनको डर लगता है, लेकिन आज उनकी नई पिक्चर आ रही है उसकी वजह से सबको हाथ जोड़ने लग गए कि पैसा बनाने के लिए वो हिंदुस्तानी है, नहीं तो वो हिंदुस्तान की विरोध करता है। और मैं तमाम हिंदुस्तानी को ये विनंती करता हूँ कि ये ऐसे दगेबाज हिंदुस्तानी की पिक्चर को बॉयकॉट करे, ये मेरा विनंती है। नहीं, इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, अगर आमिर खान की बीवी को भारत में रहना डर लगता है तो क्यों रह रही हैं वो? और दूसरी बात, आमिर खान सत्यमेव जयते बनाता है, हिंदुओं का मजाक उड़ाता है, तो कभी मदरसे पर उसने बनाया? कभी हलाला पे भी बनाना चाहिए, उसको दिखाना चाहिए कि ये है सच्चाई। तो हर चीज़ जब हिंदुओं का ही मिलता है तो क्यों? और मैं तो सबसे गुजारिश प्रार्थना करूंगा, विनती करूंगा कि कोई भी इसकी फिल्म ना देखे, थूक दे इसके नाम पे। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल चक्र न्यूज़, मुंबई।